अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुपर स्पेशल। एज प्रॉमिस्ड मंगल का दिन हमने फिक्स्ड किया हुआ है हॉकी के लिए, बट आज हम लोगों ने एक और गेम को इंक्लूड किया है विच इज़ स्नूकर। आपको पता है कि स्नूकर में मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड चैम्पियन है करंटली, एंड यू नो जिस तरह क्रिकेट एंड हॉकी हमें ऐसे वर्ल्ड चैम्पियंस और इतने बड़े बड़े चैम्पियनशिप रिसेंट टाइम्स में तो नहीं जितवाया, मगर स्नूकर कि जो मैं चुपचाप ये प्लेयर्स और ये फेडरेशन अपने काम कर रही हैं और ये चुपचाप मेडल्स जीत रहे हैं, चुपचाप वर्ल्ड चैम्पियंस अपने नाम कर रहे हैं। मगर अगर थोड़ा सा आपको मेमोरी रिफ्रेश कराते यू नो कि हमारे पास कितने गिफ्टेड प्लेयर्स हैं। मोहम्मद आसिफ का तो यू नो ऑब्वियसली सबको पता है, वही मोहम्मद आसिफ जो चैम्पियनशिप जीत के आए तो उनको कोई मिलने भी नहीं आया एयरपोर्ट। उसके साथ गिफ्टेड प्लेयर्स हैं हमारे पास हमजा अख्तर, मोहम्मद आसिफ का जैसे हमने मेंशन किया, फिर मोहम्मद यूसुफ, और फिर बहुत ब्राइट फ्यूचर भी हमें दिख रहा है। एक नसीम अख्तर है, उनके अंदर यू नो वो जर्म्स दिख रहे हैं टू बी द नेक्स्ट चैम्पियनशिप। मगर स्नूकर अभी कहाँ स्टैंड करता है नई बात नहीं है। PBI से यू नो हमेशा बोल रहा होता है फंड्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, हम लोग अपनी जेब से पैसे दे दे के थक गए। तो अभी क्या करंट सिनारियो है स्नूकर की, आजकल कुछ भी नहीं खेला जा रहा, तो उसकी रिवाइवल पे क्या बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया स्नूकर को रिप्रेजेंट करने के लिए PBSA के प्रेसिडेंट मिस्टर मुनव्वर शेख ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफकोर्स हमने हॉकी के बारे में भी बात करनी है, और उसके लिए हमने इंक्लूड किया ओलंपियन वसीम फिरोज़ को जो PHF के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, मगर वो भी आजकल कुछ करंट सिचुएशन से इतना खुश नहीं है, वो क्यों ये हम उन्हीं से जाकर मालूम करेंगे। एंड हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अतीक रहमान जो स्नूकर एंड हॉकी को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक सबसे पहले मैं अतीक आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि लोगों को एक जनरली बताने के लिए कि अभी हम लोग कहाँ स्टैंड करें। कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से हम हॉकी की तो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले स्नूकर के सिनेरियो भी मुझे समझाइएगा। जी फातिमा, आज का जो दरअसल सारा वो है टॉपिक वो यही है कि माजी के अंदर पाकिस्तान हॉकी ने नाम पैदा किया, 4 वर्ल्ड कप जीते, 3 ओलंपिक चैंपियंस ट्रॉफी, उन खेलों की हमने बुनियाद रखी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी की हमने बुनियाद रखी। ठीक है कि कौमी खेल हॉकी इन दिनों कोई मेडल नहीं ला रहा, बल्कि जितने मेडल्स हमने जीते थे, जितने एजाजा जीते थे, सब हम खो चुके हैं, और लेकिन उस हॉकी को अब कुछ नहीं मिल रहा। चलें ठीक है, अगर मेडल्स नहीं आ रहे तो पैसे भी नहीं दे रहे, चलें ठीक है, ये बात भी हम मान लेते हैं कि कौमी खेल हॉकी को आपने पूछना छोड़ दिया। लेकिन स्नूकर जो 11 साल हो गए हर साल मेडल लाता है, हर साल फातिमा एक मेडल्स पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह पर ज़रूर होता है। 2017 की बात करें तो 11 मेडल थे जिसमें आलमी टाइटल भी शामिल था। 2018 की बात करें तो उसमें भी 11 मेडल थे जिसमें एशियन चैंपियन भी थे और वर्ल्ड चैंपियन भी था। और फिर अभी 2020 में तो खैर कोरोना आ गया और सब चीज़ें बंद हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्नूकर फेडरेशन भी परेशान है कि उसको भी जो है फंड नहीं मिल रहा, हॉकी को भी फंड नहीं मिल रहा, जो माजी का एक यादगार खुशगवार खेल था जिसकी सुनहरी यादें थी, और जो इस वक्त मेडल जीता है उसको भी फंड नहीं मिल रहे। अच्छा, तो मैं ये देखा ना कि हॉकी के खिलाड़ी भी परेशान हैं और स्नूकर के खिलाड़ी भी परेशान हैं। ठीक है, तो आई थिंक मुनव्वर शेख के पास हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। तो मुनव्वर साहब, थोड़ा सा आप ही एक्सप्लेन करेगा कि आपकी एक एनुअल ग्रांट होती है, उसकी क्या अमाउंट है, अभी आपको कोई ग्रांट मिल रही है, थोड़े 2-3 सालों से क्या पैटर्न चल रहा है, थोड़ा हमें समझाएं। जी देखिए, फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है, आप देखें तो स्पोर्ट्स जितने भी हैं वो सभी बुरे हाल में, और उसका मेन रीज़न यही है कि जी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। अब आप देखें, ज़्यादा एनुअल ग्रांट की या स्पेशल ग्रांट्स की बातें, आज से 3 साल पहले जो हमें ग्रांट मिलती थी स्पेशल ग्रांट एंड एनुअल ग्रांट, वो अराउंड 7 मिलियन थी, दैट इज़ जिसमें वो भी कम थी, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं वो साल में कोई 7 या 8 इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान हर इवेंट में रिप्रेजेंट करता है, और उसको उस मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त भी कम थी, बट ग्रेजुअली पिछले साल उन्होंने हमारी एनुअल ग्रांट ख़त्म कर दी, और एनुअल ग्रांट ख़त्म करने के बाद स्पेशल ग्रांट दी थी लास्ट ईयर, दैट वाज 3 मिलियन, और उसके बाद ये हुआ है कि इस साल उन्होंने अभी तक कोई ग्रांट नहीं दी थी, और अगेन एनुअल ग्रांट नहीं दी। स्पेशल ग्रांट में आई बिलीव कल चेक इशू किया उन्होंने हमें 2 मिलियन का। तो आप ये देखें कि पिछले 11 साल में हर साल हमारी जो स्नूकर प्लेयर्स हैं उन्होंने हर इवेंट के अंदर, अगर 7 इंटरनेशनल हो रहे हैं या 8 इंटरनेशनल हैं, हर इवेंट में उन्होंने मेडल्स लिए हैं जिसमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज शामिल हैं। पिछले साल आसिफ ने वर्ल्ड टाइटल जीता, उससे पहले उन्होंने 2012 में वर्ल्ड टाइटल जीता,
अब जहाँ तक फेडरेशन की बात है, तो जब अगर आप फेडरेशन को फीड नहीं करेंगे तो कब तक फेडरेशन सर्वाइव करेंगी? तो बनारस सर, थोड़ा सा हमें मुझे ये एक्सप्लेन करेगा कि ये जो ग्रांट है ये आप किन चीज़ों में यूज़ करते हैं? देखें प्लेयर्स की फी, यू नो, प्लेयर्स के ऊपर पार्टिसिपेशन इन दिस सीरीज, ताकि लोगों को थोड़ा एक आइडिया हो कि वेयर इज़ दिस मनी बीइंग स्पेंट। जी देखिए, जो पैसे आते हैं उसमें ग्रेजुअली जो ग्रांट या स्पेशल ग्रांट मिलती है, वो स्पेशल ग्रांट मिलती है, ठीक है, टूर्स की मद में, जिसमें प्लेयर्स फॉरेन ट्रैवल्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे सारे ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं। अच्छा, जितने इवेंट्स हमें हमारे प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं उसका प्रोपोज बजट, और आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द इवेंट उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड को फर्निश करते हैं। तो अगर वो देखें तो हमारा ऑलमोस्ट जो अमाउंट बनता है पूरे साल का, जो हम फॉरेन ट्रैवलिंग पे या फॉरेन टूर्नामेंट्स में स्पेंड होता है, जिसमें प्लेयर्स की अकोमोडेशन हैं, प्लेयर्स के टिकट्स हैं, प्लेयर्स के डेली अलाउंसेज हैं, वो सब शामिल होते हैं, और वो देखें तो वो हमारा होता है मोर देन 10 मिलियन के, इससे ज़्यादा का एक्सपेंस आता है, होता है जितना ऊपर, जिसके अगेंस्ट उन्होंने पहले हमें 4 मिलियन देते थे, फिर उन्होंने 3 मिलियन कर दिए, अब उन्होंने 2 मिलियन कर दिए। तो आप ये देखिए कि जहाँ प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ फेडरेशन मेडल्स ला रही है उसको आप फीड करें, उसको आप सपोर्ट करें, उसके बजाय आप उसको और नीचे ले जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इवन द प्राइज मनी विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द स्पोर्ट्स बोर्ड्स पॉलिसी, इवन वो प्राइज मनी प्लेयरों को नहीं दी जाती, फेडरेशन अपने लिए नहीं मांग रही, वो प्लेयरों को जानी है, जो दे आर फ्रॉम द रिमोट एरियाज। आप देखें कि फैसलाबाद, साहिवाल, इन जगहों से प्लेयर्स आते हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इनमें प्लेयर्स को प्राइज मनी नहीं मिल रहा है। देखिए, प्राइज मनी उनको डेफिनेटली मिलता है, बट वो इतना सब्सटेंशियल नहीं होता। जैसे अगर अभी आसिफ ने वर्ल्ड टाइटल जीता 2012 में, तो आई थिंक उसको जो प्राइज मनी मिली है वो $4,000 थी, $4,000, विच इज़ नथिंग एज पर स्पोर्ट्स बोर्ड पॉलिसी। He is supposed to get 10 million. सर, मुनव्वर शेख साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह साउथ एशियन गेम्स से अभी बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत से खेल जो है मेडल जीत के लाए, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने उन सबको पैसे दिए, इनामी रकम दिए, अवार्ड दिए, लेकिन स्नूकर भी तो मेडल जीत के ला रहा है ना, वर्ल्ड टाइटल जीत के ला रहा है ना, तो फिर स्नूकर के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों? लेकिन इसमें साथ साथ फातिमा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन के सदर यहाँ बैठे हैं, लेकिन इनका भी कसूर है। जहाँ आपको जब 40 लाख मिलते थे, जब आपको 30 लाख मिले, स्पेशल ग्रांट की बात करूँ, एनुअल ग्रांट तो 2 साल से बंद है, चले ठीक है, 30 लाख मिलते थे, आपने उसी वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था, या तो वो 30 लाख नहीं लेने चाहिए थे। अब वो 30 से 20 लाख पे आ गए स्पेशल ग्रांट पे, कल को मुनव्वर शेख साहब वो 10 लाख पे भी आ जाएंगे, 5 लाख पे आ जाएंगे, 5 लाख पे आ जाएंगे। अगर आप इस तरह खामोशी से सर झुकाए बैठ के और उनमें उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे और एहतजाज भी खुल के नहीं कर सकेंगे तो मामला चलेगा नहीं, फिर ये खिलाड़ी बेचारे परेशान ही रहेंगे। शेख साहब, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं है जी। एज फार एज ग्रांट है, स्पेशल ग्रांट है, वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग अबाउट इट, इसकी प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं और सिलसिले में हर एक को अप्रोच भी करते रहे। इवन फॉर द प्राइज मनी ऑफ द प्लेयर्स वी हैव अप्रोच एवरीबडी, मतलब हमने प्रेसिडेंट साहब को अप्रोच किया, उनसे मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिकमेंड करके भेज दिया उनके एडिशनल सेक्रेटरी साहब को, उसके बाद हमने मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट मिसेस फहमीदा मिर्ज़ा को अप्रोच किया, उनसे मीटिंग्स की, दिलासे देते हैं बट प्रैक्टिकली होता कुछ नहीं है। और इससे मैं इसमें मज़ीद ये ऐड कर दूँ कि इसका रिज़ल्ट ये होगा कि देखिए, जो प्लेयर्स हैं जिनकी ब्रेड एंड बटर ये चीज़ है, स्पोर्ट्स है, दे आर गेटिंग डिप्रेस। आपने देखा रिसेंटली, इवन आसिफ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर यही हालात रहे तो शायद मैं खेलना छोड़ दूँ स्नूकर। नहीं, बिल्कुल, एक थोड़ा सा हम एक पिक्चर बताना बहुत जरूरी थे, यू नो, मनोज शेख साहब और भी आगे जाके पूछूंगी कि अभी क्या करंट स्टेटस है, मगर मैं वसीम फिरोज साहब को भी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। वसीम साहब, अभी जो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बाद में क्या अभी सबसे पहले आपसे पूछ लूँ कि लग रहा है कि हमारे हॉकी के इंटरनल इशूज़ की वजह से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी बोला इनको आपस में ही रहने दो, इनको मेम्बर ही नहीं बनाया, पार्ट ही नहीं बनाया हॉकी फेडरेशन को। आप लोग सबका क्या स्टांस इस बारे में कि हॉकी की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है स्पोर्ट्स बोर्ड में जो नए मेंबर्स? बड़ी अच्छी आपने बात की, और एक गुस्से की लहर तो सारे ओलंपियन में दौड़ी हुई है, क्योंकि इसमें जर्नलिस्ट भी इसमें हमारे साथ शामिल हैं,
और हमारे जितने भी ओलंपियंस भाई हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आपको पता है कि पास में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हॉकी ने इतने मेडल्स पाकिस्तान को ला के दिए हैं कि मेरा ख्याल है कि और दीगर खेलों ने इतने मेडल्स ला के नहीं दिए, जिसमें ओलंपिक है, वर्ल्ड कप है, हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते थे हम, क्योंकि बजट हमारे पास था, ठीक है ना, फंडिंग हमारे पास होती थी, एक SOP बनी हुई थी, उससे फॉलो करते थे हम। अब बात सिर्फ ये है कि जिस तरह से ये हमें PSB ने हटाया है इस कौमी सतह के ऊपर से, हमें बड़े अफसोस की लहर दौड़ी हुई है हमारे जितने भी ओलंपियंस भाई हैं हमारे, और उसकी मैं अकेला नहीं, इसमें सारे शामिल हैं। सिर्फ ये बात ये बोलूँगा मैं कि हॉकी हमारी एक कौमी खेल है, ये आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी। सिर्फ ये था कि जब हुकूमत हमें फंडिंग देती थी, ठीक है ना, मैंने पहले भी दीगर प्रोग्रामों में अपना जो है ये बोलता आया हूँ कि खुदा रहा जब भी आप कोई फंडिंग दें तो उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस जरूर रखें कि फंडिंग के राइट हैंड पे जा रही नहीं जा रही, बच्चों को मिल रही है, डोमेस्टिक सतह के ऊपर वो फंडिंग लग रही है नहीं लग रही। अब यही बात थी कि अब वो जो लास्ट हमारे पास जो फेडरेशन और भी फेडरेशन आई है, उन्होंने उसका जो है कांग्रेस की मीटिंग के अंदर कोई ऑडिट का हिसाब किताब नहीं दिया, जिसकी वजह से गुस्से की लहर जो है वो डेफिनेटली PSB के और जितने भी रुकन हैं उनके अंदर आई हो, और ये कहा कि जी इनको फंडिंग इनकी बंद कर दी जाए और इसको यहाँ से खारिज कर दी जाए, इस गेम को हटा दिया जाए। ऐसा नहीं था, एडवाइज़र जो है अच्छे एडवाइज़र हमारे जैसे कि और भी मौजूद हैं, उनको साथ में लेती हमारी फैमिली मिर्जा मैडम और इससे बातचीत करती, क्योंकि हमारा कौमी खेल है। मैं आपको आज भी बताता चलूँ कि इतना मैसिव टैलेंट है पाकिस्तान के पास, आज भी अगर हम इसको उठाएँ तो ये बाउंस बैक है, आज नहीं कल उठ जाएगा। अगर हम 17वें नंबर पे खड़े हुए हैं आज, ठीक है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो है लीग की सतह हमारी शुरू हो, लीग शुरू हो, और हम ना मांगे हुकूमत से पैसा, हम अपनी लीग शुरू करें, स्पॉन्सर्स लगें बीच में, इसके अंदर जो है स्पॉन्सर के साथ साथ जो है मार्केटिंग के लोग शामिल हों, फंडिंग इंशाल्लाह हमारी आएगी और आने के बाद हॉकी में सतह चारों सूबों के अंदर। ये हॉकी आज भी वैसी की वैसी है। एज अ सेलेक्टर मेरे और भी हैं इस पर, कलीमुल्ला है, मंजू जूरियन है, रियाज महमूद और साथ में खालिद हमीद और रियाज महमूद शामिल हैं, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि 1984 से लेके 1984 तक की जो हमारी जो टीम के बैच के लोग हैं वो कोशिश ये लगे दिन रात के मौके को बेहतर करें। आज भी यकीन देखें मुझे बड़ा फिर वही कहना पड़ रहा कि अब इससे क्या, मैं आपकी बात काटूंगा, दिन रात सिर्फ सो रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहा, नहीं वो नहीं कोई कुछ नहीं कर रहे, ये लीग की बातें हैं, मैं पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा इससे ज़्यादा साल हो गए होंगे कि लीग कराना चाहते हैं, मार्केटिंग का शोभा कहाँ है आपका, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तो कोई एक्टिव शोभा है ही नहीं कि वो फंड ला के दे, सारा दारोमदार जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ऊपर है। मैं तो अतीक ये बात करना चाहता हूँ, फातिमा एक मिनट, मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ अतीक की बात कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कब तक आप हुकूमत से जो है वो पैसा लेते रहेंगे, हमने अपनी एक SOP बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है ना, साथ में हमारे जो खोकर हैं ब्रिगेड खालिद साहब खोकर सदर और आसिफ बाजवा सब मौजूद हैं, ठीक है ना, उनको ये चाहिए कि बैठ के एक गोल्ड मेस कॉन्फ्रेंस करें, साथ में जितने भी हमारे जो अच्छे लोग हैं जो कि जो आपको इनपुट अच्छी दे सकें हॉकी के लिए वो शामिल हों इसमें। देखें सारे ये अभी आप जो है दिल का गुबार निकाल रहे हैं, गिले शिकवे दूर कर रहे हैं, अपोजिशन पे लोग बैठ के जो इतराज़ कर रहे हैं, हम ही लोग जो है वो अंदर आते हैं, हम ही लोग बाहर होते हैं, ठीक है ना, बुरा बुरा भला क्या करेंगे, कितना कहेंगे, हॉकी हमारी कहाँ पहुँच गई है अगर आज हम सतह पर खड़ा नहीं करेंगे। देखिए कराची के अंदर एक हमारा बिग डाउन टाउन है, ठीक है ना, यहाँ से एक आप आगाज़ करें लीग का, ठीक है ना, एक लाहौर सिटी है हमारी, यहाँ से अगर आप आगाज़ करते हैं, मैं आपको आज भी दावे से कह सकता हूँ, अतीक हमारे साथ बैठे हुए ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, ये बिल्कुल इस बात को बिल्कुल वाजे तौर पे बता सकते हैं कि अगर आज भी हम शुरू करें एक नए सिरे से तो इंशाल्लाह हॉकी हमारी जाग जाएगी और वहीं पर खड़ी होगी जहाँ पहले थी। अब देखें ना 16 साल हो गए हमें जीते हुए, ठीक है ना, 26 साल हो गए, 1994 में हम वर्ल्ड कप जीत के लाएँ, आज भी लोगों के दिल में वही वर्ल्ड कप जो है वो घूम रहा है कि अब वर्ल्ड कप लेके आए थे, एशियन गेम, एशिया कप, ओलंपिक, सारे मेडल्स हमारे पास थे जिससे हम सब महरूम हो चुके हैं, लेकिन आज हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या है कि चेंज हो गया सिनेरियो, लोग कहते हैं बस अब वो खत्म हो गया टाइम, उसके पे उस सहारे पे हम लोग कितना और आगे चलेंगे। यही बात हुई थी ना, जब मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से रब्ता किया था मिनिस्टर IPC फहमीदा मिर्जा से, उन्होंने कहा था उनका जो कहना स्टांस ये था, वो ज़रूर आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होती, लेकिन क्योंकि असम्बली का इजलास चल रहा है, कैबिनेट की उनकी मीटिंग्स है तो उसमें बिजी हैं, लेकिन उनको ज़रूर लेंगे। वो ये कहने कि हॉकी का कल्चर नहीं है मुल्क के अंदर, जिस तरह फुटबॉल पहाड़ों की चोटी पर हो रही है, समंदर के किनारे पर भी हो रही है, हॉकी इतनी हो नहीं रही, हॉकी का कल्चर नहीं है, और हॉकी के अपने लोग इतने ज़्यादा जो है वो आपस में लड़ते हैं, ओलंपियंस एक जानिब, फेडरेशन एक जानिब, कोई करप्शन का इल्ज़ाम, कोई चोरी का इल्ज़ाम, कभी कुछ कोई टाइटल को जीत नहीं रहा, तो हॉकी इस वक्त
प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि पहले पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड में 5 खेल होते थे गवर्निंग बोर्ड के अंदर, उन्होंने रिड्यूस करके उसको 3 खेल कर दिए, लेकिन कौमी खेल हॉकी को नहीं लिया, जो कि होना चाहिए था। मैं ये कहना नहीं चाह रहा कि उन्होंने सही किया है, ये वो अपना स्टांस देंगे जो भी होगा। मैं अतीक इस बात को सेकंड करता हूँ, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो जिस तरह से माजी में हमारे साथ हुआ है और फंडिंग बहुत दी गई है, मैं फिर वही बात करूँगा, मैं जिस पर फेडरेशन का हिस्सा हूँ, मगर मैं बात करूँगा जायज़ कि लास्ट फेडरेशन में मैं हिस्सा था जब ये खाली सर खोकर थे और शहबाज सीनियर थे, फंडिंग हमें मिलती रही है, ठीक है ना। मैंने फिर बोला कि उस फंडिंग को राइट वे में आप अगर इस्तेमाल करते तो हमें आज ये नौबत देखनी पड़ती। मैं आपसे एक्चुअली यहाँ ब्रेक लूंगी, मगर मैं ब्रेक के बाद आपसे 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगी। प्रेसिंग मैटर ये कि जो आप फंड की बार बार रेपुटेशन बोले कि फंड का सही इस्तेमाल तो किस तरह करना चाहिए था, थोड़ा आप हमें भी एक्सप्लेन करें। एंड मुनव्वर साहब से भी हम लोग पूछेंगे कि इस वक्त आप स्नूकर की क्या सिचुएशन विद कोरोना गोइंग ऑन, और ऑफकोर्स सब स्पोर्ट्स स्टैंड स्टिल पे आ गए। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर, स्टे विद अस। प्रेसिडेंट PBSA हमारे साथ मौजूद है, मुनव्वर शेख, उनके पास हम लोग जाते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त क्योंकि सब कुछ स्टैंड स्टिल पे है तो क्या होगा स्नूकर का, क्या सरगर्मियां हो रही होंगी या होने वाली, क्या स्केड्यूल है, उनसे बात करते हैं। सो मुनव्वर साहब देखिए, अब तो क्रिकेट भी बहाल हो रही है, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में मौजूद है, स्नूकर इज़ नॉट अ कॉन्टैक्ट गेम, मतलब कि खेला जा सकता है, तो क्या इस वक्त कहीं स्नूकर खेला जा रहा है या कुछ स्केड्यूल है, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? नहीं जी, स्नूकर इस वक्त तो ये देख लीजिए कि फॉर द लास्ट 6 मंथ्स जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, सारे स्नूकर पार्लर्स जितने हैं, क्लब के स्नूकर एकेडमीज़ हैं, सब बंद हैं। अब बेसिकली अगर आप देखें तो इसके अंदर इतना सोशल कॉन्टैक्ट नहीं है, और ये गेम जो है स्नूकर की अगर आप देखें तो उसका जो टेबल ही है दैट इज़ 12x6 का टेबल है, तो और उसके ऊपर भी एक वक्त में एक ही लड़का खेल रहा होता है या प्रैक्टिस कर रहा होता है, और अगर स्पेक्टेटर की जगह है तो वो भी तकरीबन ये समझ लें कि 6-8 फीट दूर होती है, तो एक के बाद एक लड़का खेल रहा होता है। हमने रिसेंटली तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का गेम है, इंडोर गेम है, और रिसेंटली हमने चारों प्रोविंसेस को अप्रोच भी किया है कि जी आप हमें SOPs दे दें, SOPs देने के बाद अलाउ कर दें इन स्नूकर पार्लर्स को या स्नूकर अकेडमीज़ को एक्टिव कर दें, क्योंकि आगे जाके हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है नवम्बर के अंदर, और वी आर द डिफेंडिंग चैम्पियन। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली जितने हमारे रैंकिंग प्लेयर्स हैं अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफेंड दिस टाइटल। ठीक है, तो आपने सबको ये खत लिखे हैं, पर आपको कोई अभी कोई सॉलिड जवाब आया नहीं है? अभी तक किसी भी प्रोविंस से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, एंड वी हैव बीन अप्रोचिंग ऑन एंड प्रोविंसेस के जितनी हमारी प्रोविंसेज हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं वो भी अप्रोच कर रही हैं, बट अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो आपके थ्रू अगेन आई विल रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कि जी आप बेशक SOPs के साथ इन स्नूकर पार्लर्स में या स्नूकर अकेडमीज में को अलाउ कर दें ऑपरेट करना विद सर्टन टाइम, ताकि जो हमारे रैंकिंग प्लेयर्स हैं या जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकें, और आगे जो हमें अपना टाइटल डिफेंड करना है उसमें हमें मदद मिले। ये फातिमा जरूर आपके पास आ रही थी जी, ज़रूर पाकिस्तान बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन ने खाली खत तो लिख दिए हैं, कांटेक्ट भी लाजमी करते, लेकिन खुद इनके जो को चेयरमैन आलमगीर शेख और खुद मुनव्वर शेख साहब जो है वो कोरोना का शिकार हो गए, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है 15-20 दिन का जो है गैप आ गया। तो अब डेफिनेटली क्योंकि दोनों माशाल्लाह से जो अब सेहतियाब हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से, तो अब लगता है कि 15-20 दिन का टाइम गुजर गया कि आलमगीर शेख अब क्या करेंगे? आपने लेटर तो लिख दिया, या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे या कॉन्टैक्ट करेंगे आलमगीर शेख हो गए या आप लोग हो गए या और सूबों के जो एसोसिएशन हैं उनके इतने कॉन्टैक्ट हैं कि आप समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर से परमिशन ले सकें? देखें, गोल्फ एसोसिएशन या गोल्फ फेडरेशन ने तो अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हुए, अपने SOPs का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने गोल्फ कोर्स खुलवा लिए या जो भी एहतियाती था, तो स्नूकर तो है ही सोशल डिस्टेंस का गेम, आपको बड़े फोन में फोन घुमाने पड़ेंगे अपने कांटेक्ट जी जाना पड़ेगा बार बार। इसमें अतीक मैं मजीद आजाद करूं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बजा कह रहे हैं कि इसमें हमें अप्रोच भी करना पड़ेगा और ज़रूर अप्रोच भी करेंगे आगे। हमें एक अच्छी खबर यह ज़रूर है हमारे लिए कि हमारे पैट्रन मेम्बर हैं पाकिस्तान स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन के अकील करीम डेडी साहब, रिसेंटली ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, तो आपके इस मीडिया से मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा रिसेंटली अपॉइंटमेंट पे बोर्ड के, और डेफिनेटली वी विल अप्रोच अकील करीम डेडी साहब ऑल्सो
कि वो इसमें हमें हेल्प आउट करें, क्योंकि वो बोर्ड पे भी होंगे और उनके ताल्लुकात भी हैं, ताकि ये परमिशंस हमें दिलवा दें। और उसके अलावा भी अगर हमें किसी भी सूबे में जाना पड़ा, किसी भी सूबे के मिनिस्टर के पास जाना पड़ा, वी आर रेडी टू गो देयर। और वो जो भी SOPs दें हमें, हम उस SOPs के तहत इनको ऑपरेट करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स के लिए कि ग्रेजुअली आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खोलें, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो सिवाय क्रिकेट के कोई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जो एक्टिव हुआ। तो आपके तवस्सुल से और इन सारे मसाइल पर ज़रूर सही है, ठीक है। अच्छा वसीम फरोज़ के पास हम लोग अब चलेंगे। तो वसीम फरोज, आप बहुत बजट की बात कर रहे थे कि बजट सही तरह नहीं। अब देखिए, हम आई नो मैं भी माजी की बातों में नहीं जाना चाहती, मगर क्या करें। अब जैसे अब एक बन गया है, सबका एक पिक्चर बन खिंच गई है हॉकी की, जिस तरह अभी अतीक ने भी बताया कि फहमीदा मिर्जा साहिबा कह रही थी कि बस ये अरे पुरानी बातें हो गई, कल्चर नहीं रहा हॉकी का। तो मुझे बहुत दुख हुआ सुनके, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ हॉकी का ही कल्चर था, ऑल द कूल डूड्स यूज्ड टू प्ले हॉकी। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा, ऐसा था कि देखें ना, आपके भी फैमिली के अंदर आपके फादर ने, आपके जितने भी फैमिली मैन, उन्होंने भी हॉकी देखी होगी आँख खोलते हुए। जब ये पाकिस्तान जब बनाया उसके बाद से तो हॉकी थी, क्रिकेट तो बाद में आई है, ठीक है ना। और हॉकी ने इंडो पाक में ही एक राज किया है, इंडिया या पाकिस्तान, पाकिस्तान नंबर वन था क्योंकि एक कौमी खेल था। और इतने माजी में हम मेडल्स लेके आए। मैंने भी जब पैशन से स्टार्ट किया था क्रिकेट की थी, मगर बाद में हॉकी को मैंने चूज़ किया और हॉकी से मैंने पाकिस्तान 12 साल खेला। और यकीन करें, इतना इतना अच्छा गेम, इतना हेल्दी गेम, और जो एक घंटे में आपके जो है रिजल्ट सामने आ जाया करता था। तो हमने तो वर्ल्ड कप भी खेले, दो ओलंपिक भी खेला, एशियन गेम भी जितवा के लेके आए। अभी सिर्फ अफसोस इस बात का होता है कि टैलेंट हमारे पास बहुत है। हम ढूंढने निकले थे टैलेंट हंट स्कीम के थ्रू, तो यकीन करें चारों सूबों के अंदर बहुत टैलेंट है। मगर बात यह है कि फिर वही बात आ जाती है कि हुकूमी सतह के ऊपर अगर हमें थोड़ी सी पजराई मिले और हमें थोड़ा सा पुशबैक मिले, तो इंशाल्लाह सब कुछ दोबारा दुरुस्त हो सकता है, बाउंस बैक है, दोबारा ऊपर आ सकता है। अगर आज हम स्टार्ट लें, देखें जैसे कल्चर नहीं रहा, जैसे अतीक ने बता, कल्चर आ सकता है दोबारा, क्योंकि आज भी हमारे पुराने लोग जो हैं हॉकी को याद रखते हैं, ठीक है ना। अगर हम माजी के मैचेस निकाल के दिखाएं, हमारे जितने मेडल्स हम लेके आए, नहीं तो पुराने मैचेस निकाल रहेंगे नहीं ज़्यादा। नहीं वसीम भाई, इतने पैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत हम पे थोड़ा सा ख्याल रखे या हमारी हौसला अफजाई करे या फंड दे, तो पिछले 10-15 साल से जितना हॉकी फेडरेशंस को फंड मिला है, इससे पहले कभी गवर्नमेंट ने इतना नहीं दिया, तो उसके बावजूद हॉकी तो वहीं क्यों है, बल्कि मजीद नीचे चली गई। ठीक, बिल्कुल आपने सही बात की, बिल्कुल। तो मैं फंड कहां गया से बात करूंगा कि ये फंडिंग जो था, मैंने फिर एक बात की कि हुकूमत सतह के ऊपर तो फंड मिला आपको, वो फंड गया किधर? उसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? कौन खा गया? PSB ने चाहिए था कि PSB अगर फंड दिलवा रही है तो उनको चाहिए था अपना नुमाइंदा भेजते, उसके ऊपर ऑडिट होता, ऑडिट रिपोर्ट हर साल की, 6 महीने की ऑडिट रिपोर्ट लेते आप। कौन खा गया वसीम भाई, नाम लेना, कौन खा गया? देखिए नाम क्या लें, आपके पास मुख्तलिफ औकात में आपके पास सदर आए हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो है ऑडिट के कोई हिसाब किताब नहीं मिला, ना पे कांग्रेस के इजाज़ में आपने सही ऑर्डर दिया। तो बात ये थी कि ये फंड वहाँ से शुरू हुआ है। हम चलते रहे, हम ये देखते रहे आज हॉकी बेहतर होगी। हॉकी का ये अंजाम हो गया कि हॉकी 17वें नंबर पे खड़ी हुई आज, मतलब उसमें हम भी शामिल हैं। मैं खुद हर प्रोग्राम में आके शोर मचाता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि सर प्लीज़ आप जो है हमारी हॉकी को जिंदा करें, इस पर कड़ी निगाह डालें अपनी, ताकि हॉकी हमारी बेहतर हो। हॉकी पहला गेम था हमारा, बाद में सारे गेम आए थे। स्नूकर आज खड़ा हुआ है, उसको वो कह रहे हैं, शेख साहब कह रहे हैं, मनोज शेख 2 मिलियन मिल रहे हैं हमें, हम इतनी बड़ी आप मेडल्स लेके आ रहे हैं, आप विक्ट्रियाँ मार रहे हैं, उनको नहीं पूछा जा रहा। हॉकी का तो छोड़ ही नहीं आप, तो अंजाम बुरा वसीम भाई, मौजूदा फेडरेशन में भी करप्शन है या? देखिए मौजूदा फेडरेशन के पास तो कुछ भी नहीं है, अभी पैसा ही नहीं है। लास्ट जो जो सेक्रेटरी के लेवल पर पैसा मिला था, वो पैसा तो पूछते ना कहाँ गया। लास्ट सेक्रेटरी जो थे शहबाज सीनियर, उसके दौर का आपको जो पैसा मिला था, आप उसका कम से कम ऑडिट तो करवाते, उसका तो हिसाब किताब लेना। अभी जो उनके प्रेसिडेंट तो बाजवा है, ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर तो हैं अभी तक, मैं तो खालिद सजाद खोकर साहब तो कर रहे हैं वो सारा, उनके पास तो गया हुआ, ये सारी रिपोर्ट गई हुई है, इंक्वायरियाँ हो रही हैं। आप कह रहे हैं शहबाज के दौर में करप्शन, ये कहना चाह रहे हैं ना कि हुई? भाई अगर हुई तो ये तो चाहिए था ना कि हुकूमत सतह के ऊपर उसकी इंक्वायरी करवाते, कोई नायब बैठती कुछ बैठता, ताकि पैसा इतना अरबों रुपये खरबों रुपये आपका लगा है, वो कहाँ गया? हॉकी में क्यों नहीं गया? कहाँ गए वो? उस पर रिपोर्ट सही क्यों नहीं शो हुई? आज अगर रिपोर्ट शो नहीं हुई है तो ये हाल है हॉकी का, हाल है आपका, तो पूरी मुल्क में हॉकी खत्म हो चुकी है। बातें हो रही है कि लीग होगी, तो अभी वो तो बिल्कुल शुरू ही होने वाली थी लीग, मगर वो कोरोना हो गया और अभी तो अब ये देखे फातिमा, ये था कि अभी एक SOP बनी थी जो कि सेक्रेटरी आसिफ बाजवा ने खोकर से बनाई थी, खालिद साहब खोकर साहब ने बनाई थी कि हम जो कराएंगे फाइव साइड एक टूर्नामेंट कराएंगे जिसमें मुल्क की सतह के ऊपर, जिसपे स्पॉन्सर भी इन्वॉल्व होंगे और हॉकी को भी बेहतर करेंगे और हमारी फंडिंग भी आएगी। तो अभी लगे में इसके ऊपर, अभी कोरोना अच्छा, हमारा मतलब जो बेसिकली तो ख्याली पलाव था ना, फंडिंग ख्याली पलाव नहीं है, इसकी एसओपी बन गई है। नहीं सही, ख्याली पलाव था,
ये कोरोना आ गया, बहुत से जैसे हमारे साथ जब आसिफ बाजवा भी थे, उन्होंने बड़े बड़ी अच्छी अच्छी ग्रीन टर्फ ऐसा दिखाया कि मजा आ गया। बातें तो आपने फेडरेशन से और हमारे ओलंपियन से ऐसी ऐसी करवा लें कि ऐसा लगता है कि अभी इनको पैसा दे दें तो परसों हॉकी जो है वो मेडल ले आएगी। देखिए वसीम साहब भी सही कह रहे हैं कि बहुत कुछ बजे पुराने हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में ऐसे कुछ हुए हैं, तो फिर सही कह रही है ना फहमीदा मिर्जा, सही कह रही है ना फातिमा के फिर हॉकी वालों ने ही हॉकी को खत्म कर दिया ना। अब हॉकी को क्यों रो रहे हैं जब हॉकी वालों ने ही हॉकी को तबाह कर दिया, जब ओलंपियंस ने ही हॉकी को तबाह कर दिया, तो अब रोने का क्या फायदा। ठीक है, अच्छा वसीम साहब, आप क्योंकि सिलेक्शन सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, आप लोग एज अ कमेटी क्या रोल प्ले कर रहे हैं आजकल, और कुछ ये कोरोना शुरू होने से नाराज हैं मुझे लग रहा है वसीम साहब? अभी मैं इतना नाराज तो नहीं हूँ, क्योंकि कौमी सतह के ऊपर काम तो करना है आपने, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन बाहर वाला के करेगा। बात सिर्फ ये है कि जो हालात चल रहे हैं कोरोना के, आपको पता है बच्चों को फिटनेस दी हुई है उनके घरों के अंदर, उनको एक जो है पूरा एक मैप बना के दिया है कि आप इसके तहत काम करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो हॉकी एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसमें कुएं से सलाहियत बहुत होती है स्पोर्ट्समैन के अंदर। कोरोना से बचने के लिए घर में उनको लॉक किया गया है, बाकायदा उनको एक चार्ट बना के मैप बना के दिया गया है ख्वाजा जुनेद ने और मंजूर जूनियर ने, हमारे मंजूर जूनियर साहब इस वक्त काफ़ी बच्चों के ऊपर जो है निगाह रखे हुए। कोशिश यही है कि बच्चे जो है अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ रहें, ताकि ये है कि अभी एक्टिविटी आपको तो ग्राउंड की तो कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, इसलिए घरों के अंदर छोटी मोटी एक्सरसाइजों में लगे हुए बच्चे अपने आप में लगे हुए, ताकि हॉकी को आगे जब भी हमारा लॉकडाउन खत्म होगा इंशाल्लाह बच्चे दोबारा ग्राउंड में आएंगे उसी सतह के ऊपर। वसीम भाई सिलेक्शन कमेटी डमी सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि आप लोगों ने सारे सिलेक्टर्स ने मिल के, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने खुद देखा सारे ग्राउंड्स में आप लोग गए, अंडर 21 के लड़कों को तलाश किया, उनकी लिस्ट बनाई, कहाँ गए वो लड़के, कोई कैंप लगा नहीं लगा, हॉलैंड जाने वाली टीम में सिलेक्शन कमेटी जो नाम दिए वो नहीं गए, तो क्या सिलेक्शन कमेटी डमी है? क्योंकि टीम मैनेजमेंट ये कहती है कि हमने खिलाना है और हमने लड़ाना है, तो सिलेक्शन कमेटी नाम दे दे लेकिन उसमें रद्दो बदल हो जाते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता? अतीक ऐसा हुआ था कि कोच जब आसिफ बाजवा ने जब आते ही सीट संभाली थी और खालिद सदा खोकर साहब ने टास्क दिया था अपना आसिफ बाजवा को, और ख्वाजा जुनेद को अपॉइंट किया गया था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त वही है, क्योंकि लीग हमारे सर पर खड़ी हुई थी क्वालिफाई राउंड की, तो ख्वाजा जुनेद के पास तो टीम पास में थी, उसने ख्वाजा जुनेद ने कहा मैं एक टास्क देता हूँ, एक ये जुआ है हम खेलते हैं इस पर जाके, क्योंकि अगर नए लड़के लेके जाएंगे तो वो भी हार नहीं, हमने तो नए लोगों की चॉइस रखी थी, मैंने हमने मंजूर जूनियर ने अहमद महमूद ने कलीम उल्लाह मारा कि नए लड़के ले जाओ, हारेंगे हार ही जाएंगे ना मगर आगे चल के तैयार हो जाएंगे, तो हमने ये कहा था कि चलें आप इससे एक चांस ले लें, मगर क्योंकि सेक्रेटरी कोच और सारे मिलके मंजूर जूनियर ने कहा कि नहीं यार कोच के ऊपर बात रखते हैं, कोच जो एक्सपीरियंस्ड है और हमारा वो बच्चों को जानता है उनकी साइकी को जानता है, तो कोशिश हमने फिर उनकी बात रखी कोच की कि चले आप हम आपको यहाँ देते हैं कि देखते हैं कि आप इस पे उतरते हैं अपने मैयार पे पूरा नहीं उतरते। बहरहाल वो हम एक मैच जीते, एक मैच बराबर खेला, दूसरा मैच हार गए और क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब हमारे पास आगे ये है कि अब जो सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम बना के दी है उसी पर मुत्तफिक हैं सारे के सारे, और इंशाल्लाह आगे भी जो है इंशाल्लाह उसी मुत्तफिक रहेंगे, कोई प्रेस रिलीज जब होगी वही होगी जो सिलेक्शन कमेटी बना के देगी, अपने अपने टीम के लड़के बना के देगी, वही प्रेस रिलीज में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी वैसे आप कम नाराज हैं या नहीं है पहले ये तो हमें बताया ना। फातिमा नाराजगी मुझे दुख होता है, पता है क्यों दुख होता है? दुख होता है कि इतना पाकिस्तान से खेलने के बाद पास में माजी में मैंने मेरा डेब्यू है, फातिमा शायद आप उस वक्त छोटी हो, मेरा 1982 का डेब्यू है, 82 से मैंने पाकिस्तान का कलर लिया है 82, और फिर 85 में मैं पाकिस्तान टीम में आ गया था, उस वक्त से जब मैंने अपने हीरोज को देखा खेलते हुए, कलीम उल्ला को, हनीफ खान को, मंजूर हसन साहब को, मंजूर जूनियर को, हनीफ खान वगैरह ये बड़े नाम थे समीउल्लाह को, तो मैं वहाँ से मैंने एक मेरे अंदर शौक जागा। आज दुख होता है कि हॉकी किस सतह पे खड़ी हुई है, वो लोग आज भी अख्तर रसूल वगैरह मौजूद हैं और वो कोशिश में, देखें गलतियाँ तो होती हैं इंसान से, मगर भाई गलती पे गलती ना करें, गलती को सुधारें भी खुदा रहा, अगर गलती को नहीं सुधारेंगे आज तो हॉकी टीम पर रिडॉक लगा दें, बैन कर दें इसको, घर में ही खेलते रहो बस बाहर मत जाओ। तो भाई बात यह है कि आज अगर बेहतर करना है आज से आप जो है ये अहद करें कि हॉकी को बेहतर करना है सारे मिलके। मैं तो एक जैसे कहते हैं पाकिस्तान से खेला हूँ मगर मुझसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं आज भी, ठीक है ना, मैंने भी खेला मगर बड़े बड़े हमारे सीनियर मौजूद हैं जो मेरे उस्ताद के दर्जा रखते हैं, तो वो आएंगे उसमें मंजूर जूनियर भी मौजूद हैं उसमें, अपना जैसे कहते हैं हमारे कलीमुल्ला समीउल्ला साथ में रशीद जूनियर, ये बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, अख्तर रसूल, हनीफान वगैरह आएंगे तो इंशाल्लाह हॉकी हमारी जिंदा हो जाएगी, मुझे पता है आज भी ये मेरा उम्मीद है और ये बहुत लगे इंशाल्लाह आएगी फातिमा ऊपर। वसीम भाई खुश हैं जूनियर टीम की कोचिंग जो है दानिश कलीम, राणा जहीर और सीनियर टीम के ख्वाजा जुनेद, समीर हुसैन,
जो इन लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप मुतमईन हैं? ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी वसीम साहब, सॉरी मुझे ब्रेक लेनी है, मगर बिल्कुल आपसे मैं डायरेक्ट आपके पास आऊंगी ब्रेक के बाद। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ और थोड़ा सा अब हम लोग हॉकी के नए फ्यूचर बात करेंगे और स्नूकर का भी थोड़ा सा कंक्लूजन की तरह बात को बढ़ाएंगे। वी टेक अ क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर। थोड़ा सा आगे जाके हम हॉकी में बात करेंगे, बट फिर अब ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं स्नूकर की तरफ, जहाँ हमारे पास पी बी एस ए के प्रेसिडेंट मुनव्वर शेख हमारे साथ मौजूद है। मुनव्वर साहब, थोड़ा सा मुझे अब ये कंसर्न पैदा हो रहा है, नया जो एक लॉट या जो नई जनरेशन आएगी स्नूकर की, जो फ्यूचर ब्राइट स्टार्स है, वो थोड़ा हेजिटेंट हो जाएंगे थिंकिंग के या ये तो बिल्कुल ही अनथैंकफुल जॉब है, मतलब कि कोई वो अटेंशन नहीं मिल रही या सब कुछ। तो आप लोगों को एक फाउंडेशन ले आउट करना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे नए मोहम्मद यूसुफ और आसिफ को रिप्लेस करने के लिए जब आएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। जी बिल्कुल, देखिए टैलेंट की है, जैसे टैलेंट पाकिस्तान में आई थिंक कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, टैलेंट हमारे पास बहुत है। स्नूकर में भी हमारे पास अंडर 16 है, अंडर 19 है, अंडर 21 है, उसकी भी हमारी रैंकिंग्स होती हैं एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप देखें तो हमने अंडर 19 का भी वर्ल्ड टाइटल लिया हुआ है नसीम ने आज से तीन साल चार साल पहले। तो आप देखें कि और हमारी कोशिश भी है कि जी जूनियर्स को ट्रेन करें। अभी जो हमने स्टेट बैंक के अंदर अपॉइंटमेंट्स दिलवाई हैं अपने लड़कों को, उसमें तीन जूनियर हैं कि वो ताकि एक फाइनेंशियली वो एक एट ईज हों और स्नूकर के ऊपर और अपने गेम के ऊपर ध्यान दें। और उनके साथ हमने बिलाल को एस कोच दिया है स्टेट बैंक को, बिलाल ने भी काफ़ी टाइटल्स लिए हुए हैं और ही इज़ अ रैंकिंग प्लेयर। तो आप ये देखें कि टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंट आ भी रहा है। और इसके अंदर हम शुक्रगुजार हैं जुबली इंश्योरेंस वालों के कि जी उन्होंने हमें स्पॉन्सर्स किया और वी हैव स्टार्टेड अंडर 16 टूर्नामेंट, अंडर 18 और अंडर 21, ये तीनों रैंकिंग टूर्नामेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर होते हैं और इस साल भी हो गए। तो अगर आप देखें तो हमारे स्नूकर प्लेयर्स भी जो हैं अंडर 21 या अंडर 18 के, वो किसी लेवल पे भी हमारे टॉप प्लेयर से कम के नहीं हैं। और एनी गिवन डे वो आसिफ के साथ भी खेलेंगे तो वो हो सकता है, आसिफ तो लेजेंड हो गया, बट अगर उसके अलावा आप देखें तो वो दे गिव देम वेरी टफ टाइम। अगर वो 20 हैं तो वो 18 होंगे, 17 होंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो फातिमा मैं तो ये कहना चाहूँगा जियो सुपर का भी बड़ा किरदार रहा। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं जियो सुपर पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जियो से हम अटैच हैं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा, लेकिन जियो सुपर ने जिस तरह स्नूकर को दिखाया और ये पीबीएस है, स्नूकर बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन का भी ये है कि वो उन्होंने शुरू से ही जियो सुपर को ये रखा कि ये गेम टेलीवाइज हो। ये बड़ा नए बच्चों का, नए खिलाड़ियों का ये होता है कि वो टीवी पर आए, अपने गेम्स को दिखाएं, अपनी सलाहियतों को दिखाएं। तो ये पीबीएसए का बड़ा अच्छा स्टांस था कि उन्होंने शुरू से इस गेम को टेलीवाइज किया, सेमीफाइनल फाइनल। और जियो सुपर ने जिस तरीके से इस स्नूकर को दिखाया, प्रमोट किया, मेरे ख्याल से उससे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो पंजाब से, इंटीरियर सिंध से बहुत ज़्यादा आया। शेख साहब मैं अगर नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि हम जियो सुपर बैठे, बिल्कुल सही कह रहा। आई थिंक जब से आलमगीर ने टेक ओवर किया और जब से हमने स्नूकर शुरू की, इससे पहले अली असगर वलीका साहब थे, इज द चेयरमैन ऑफ द पीबीएसए। अगर आप देखें तो स्नूकर को सबसे ज़्यादा इनिशियली प्रमोट किया अली असगर वलीका साहब ने, उसके बाद आलमगीर टुक ओवर। तो जब से आलमगीर ने टुक ओवर किया और वी स्टार्टेड टेलीविजिंग इट, उस वक्त से मेरे ख्याल से अब आज 8 या 10 या 11 साल हो गए, पीबीएसए एंड जियो सुपर आर द मीडिया पार्टनर्स। और आई थिंक उस वक्त से जितने टूर्नामेंट्स हमारे रैंकिंग के होते हैं, सेमीफाइनल एंड फाइनल हैव बीन टेलीकास्ट लाइव बाई जियो सुपर। और डेफिनेटली जब एक चीज़ लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है तो उससे इंस्पिरेशन बढ़ता है यंगस्टर्स का। और वी आर थैंकफुल टू जियो सुपर। ये डर लगता है मनोज साहब कि जब आप यू नो आप स्टोरीज पढ़ते हो कि प्लेयर्स अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, तो फिर जो फ्यूचर एक लॉट आता है वो कहते हैं ठीक है मैं अच्छा गेम खेलता हूँ, मगर मुझे अपने जेब से पैसे खर्च करके पार्टिसिपेट नहीं करना। सो दैट्स समथिंग दैट वी विल हैव टू लुक इनटू। जी बिल्कुल, देखिए ये एक ड्रॉबैक तो है कि जब आप देखते हैं कि आसिफ जैसा प्लेयर दो मरतबा वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद भी उसको प्राइज मनी ना मिले और वो डिप्रेस हो, तो उसका इफेक्ट यंगस्टर्स पे डेफिनेटली आएगा कि जी हम क्यों इतनी मेहनत करें, जब दो बार मरता का वर्ल्ड टाइटल है आसिफ, उसको जब उसकी प्राइज मनी नहीं मिल रही है तो देन डेफिनेटली इट्स अ ड्रॉबैक फॉर द यंगस्टर्स। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि जी यंगस्टर्स को प्रमोट करें और कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जी तीन यंगस्टर्स को हमने स्टेट बैंक के अंदर, तो
आप ये देखें कि ग्रेजुअली वी आर गेटिंग द यंगस्टर्स, बट डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए हमें, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट चाहिए, पीएसबी की भी सपोर्ट चाहिए। लेकिन शेख साहब इसकी कमजोरी फिर आपकी भी आ गई ना, आप दबते जा रहे हैं जहां आपके स्पेशल ग्रांट पे। मैं उसी वही पहला वाला सवाल करूंगा, वापस कर दें। मैं तो कहता हूं मेरा ये स्टांस है कि अगर इस टाइम आपको 20 लाख मिल रहा है वापस कर दें, क्योंकि आपको 40 लाख मिल रहा है, बहुत सारी है, वापस कर देना। आप दबेंगे फिर दबते चले जाएंगे और खिलाड़ी मरते चले जाएंगे। देखिए वापस करना इतनी बड़ी बात नहीं है, वापस किए जा सकते हैं, बट आप ये देखें कि इस वक्त पोजीशन ये है कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि फंडिंग इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाई डे। अगर हम ये भी वापस कर देते हैं तो क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि हम फेडरेशन बंद कर दें, तो वो दैट इज़ नॉट वायबल कि आप जस्ट बिकॉज के जी आपकी फंडिंग कम कर दी। हम पूरी कोशिश करते हैं, जैसे कि लास्ट वर्ल्ड कप में आप देखें जिसमें आसिफ गया था, तो वी हैव दो लड़कों को हमने अपने फेडरेशन के खर्चों पे भिजवाया, दो लड़कों को हमने स्पॉन्सर्स करवा के भिजवाया कि प्राइवेट और एंटरप्रेन्योर से, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि वेदर देर इज़ अ फंडिंग और नो फंडिंग, PBSA ने आज तक कोई इंटरनेशनल इवेंट मिस नहीं किया और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल ट्राई नॉट टू मिस इट। ये डर लगता है कि रिजेक्ट कर दिया अतीक, फिर आइंदा फिर कभी मिले या ना मिले, तो यू नो आई नो ये हमारे सूरत हाल है, व्हाट कैन वी से। बट नसीर साहब थोड़ा सा मैं आपसे भी पूछा, क्योंकि हमें बात कर रहे थे प्लेयर्स की कि जेब से पैसे खर्च करना है, या आपका एक वर्ल्ड चैंपियन कह रहा है कि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा। ऐसे तो बहुत सारे हमारी भी रिसेंटली एक प्लेयर से बात हुई, जो फ्रेश बैच से जो ग्रेजुएट हुए हैं, पास आउट हुए हैं, कहने के हमारे पास जॉब नहीं है, मैं घर पे अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मुझे हॉकी के अलावा और कुछ आता नहीं है। तो ये बातें जब हम सुनते हैं तो डर और खौफ भी आता है कि इनका क्या होगा। बस फातिमा इसी का तो दुख है, अफसोस तो हमें ये मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यकीन करेंगे इतने के एक सतह के ऊपर प्लेयर खेलता है, ठीक है ना, अपनी पूरी अपनी ज़िंदगी उस पर वफ कर देता है, उसके बाद उसको कोई रिटर्न नहीं मिलता, उसका हुकूमी सतह के ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिलता, तो बड़ा डिसाइडेड होता है बच्चा, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी होती है उस जगह के ऊपर। अब बात ये कि अगर जॉब्स नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, ये जॉब्स क्योंकि 85 में जब मैंने ज्वाइनिंग दी है, ठीक है ना, खेलों तो उस वक्त जॉब्स थी, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, PIA, कस्टम्स, सारी जॉब्स आपको मिलती थी, ठीक है ना, हुकूमत सतह के ऊपर ये एक SOP बनी हुई थी। जब बैंड्स इन्होंने बैंड लगाया स्पोर्ट्स के ऊपर से, हॉकी आपकी वहाँ से जो है डाउनफॉल होना शुरू हो गया और ऊपर नहीं आ सकी, क्योंकि आप जो है प्लेयर का एक चार्म था, एक तो बेनिफिट, एक चार्म मिला हुआ था कि भाई हम अगर हम कोई डिपार्टमेंट के लिए खेलेंगे वहाँ से जोर लगाएंगे और वहीं से हम जो है जो नंबर वन टीम होगी उसमें से पांच प्लेयर, दस दस प्लेयर निकलते थे नेशनल सतह के लिए। आज मुझे बताएं कि आप नेशनल सतह के लिए कहाँ से प्लेयर बाहर निकलेंगे जब आपकी कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, आपके पास बैंड लग चुका है, कॉन्ट्रैक्ट पर प्लेयर लेते हैं और उसके बाद प्लेयर जो है अगर वो ज़ख्मी हो जाता है तो उसको घर बिठा दिया जाता है, फिर फ्रेश प्लेयर लेते हैं आप उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो बात यह है कि अगर ये बैंड तो लगा दिया आपने, हॉकी भी आपकी नीचे आ गई है, हुकूमी सतह के ऊपर इतना पैसा दे गया, उसका उस पैसे का जो है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, वो हुकूमत को पूछना चाहिए था कि भाई ये सही जगह पे गया नहीं गया, बच्चों को पैसा मिला नहीं, नौकरियाँ हैं नहीं, ठीक है ना, चारों सूबे में जो है वो यही हाल है। मतलब कि अगर आज देख लें कि पुराने जो लोग हैं हमारे वो कहीं ना कहीं अच्छे होते थे बैठे हुए, क्यों अच्छी नौकरी पर बैठे हुए थे उस वक्त, कोई AVP है, कोई असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बैठा हुआ है, कोई जो PIA के अंदर ग्रुप 9 में बैठा हुआ है, अच्छी नौकरी में बैठे हुए हैं, और यही बता दूं आपके वही लगे हुए हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों को खिला रहे हैं। आज अगर हुकूमत हमारी जो है अगर ये लिफ्ट हटा दे और दोबारा से ये लेके आए, ठीक है ना, डिपार्टमेंटल हॉकी, मैं आपको बता दूं कि हॉकी दोबारा हमारी जाग जाएगी, मगर फिर वही बात है कि करने वाला कौन होगा। अब जिस तरह अतीक आपसे पूछे थे कि जूनियर लेवल पे जो कुछ हो रहा है आप उससे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है ना कि क्योंकि अब जो हॉकी का प्रेजेंट सूरत हाल है, आपका न्यू बैच या न्यू जनरेशन तो नहीं आएगी? नहीं, जूनियर जनरेशन नहीं आएगी। हाँ। देखिए मैं बताऊँ आपको, हॉकी अभी हम गए थे ट्रायल्स के लिए वहाँ पे लाहौर के अंदर, तो जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, उसमें से हमने बड़े अच्छे सर्टिड बच्चे निकाले, यकीन करें कि सुबह 8 बजे से बैठ के और शाम 5 बजे तक हम सिर्फ जो है एक लंच ब्रेक होता था, उसके बाद हम ग्राउंड में रहते थे और बच्चे को कड़ी निगाह से देख रहे थे कि बच्चा हमारी आंख से ओझल ना हो जाए, ये कहीं बच्चा ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि हमें जूनियर सतह के लिए बच्चे लेने थे आगे ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। फिर आपने लिस्ट बना के दी, अब्दुल रहमान का नाम था उसमें जो टॉप स्कोरर था? देखिए दो चार ऐसे प्लेयर थे हमारे जो कि बाद में स्कोरर, जिसने 13 गोल किए थे उसका तो वो तो कैम में था ही नहीं, चैंपियनशिप में जिसने 13 गोल किए टॉप स्कोरर था वो कैम में नहीं है। आप लोगों ने नाम नहीं दिए, बात ये कि कुछ बच्चा ऐसे था जो स्कूटनी की नजर हो गया, जो ओवर एज था, हमने वहाँ पे देखा, देखिए मैं बताऊँ वहाँ पे भी देखा कि जो नेशनल चैंपियनशिप में आया है जूनियर चैंपियनशिप में वो ओवर एज बच्चा था,
बाद में जब उसका ओरिजिनल हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आई तो वो बच्चा ओवर एज था, तो जैसे मतलब गोल तो मार चुका, खेल तो चुका था वो, तो हमें बाद में भी तो उसकी कम से कम स्कूटनी वगैरह करके उसकी सारी जो है जितनी भी उसकी जो भी उसकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह थी हमने इन्फॉर्मेशन लेके और उसके हिसाब से उसको सीनियर में कंसर्न करने के लिए उसको रखा। यही सारी चीज़ें हम देखते हुए चल रहे थे कि भाई बच्चे खेलने ओवर एज खेलने दो, मगर बाद में हम देखेंगे ये जूनियर के साथ ज्यादा ना हो जाए। तो बात ये थी कि अब जो जूनियर टीम हमने बनाई है वो आगे के लिए पाकिस्तान के लिए बनी है, इंशाल्लाह उस पर अच्छे कोचेस लगाए गए हैं जो कि पुराने एक्सपीरियंस है। हम कोचेस से सिर्फ मैं आपके जियो के तवक्कुल से ये बात सिर्फ कहूँगा कि वो बच्चों को अच्छी तरजीह दें और उनके साथ ज्यादा ना हो, उन बच्चों को खिलाएं, अपना एक्सपीरियंस दें उनको और उन बच्चों को एक डिसिप्लिन सिखाएं कि पाकिस्तान के लिए खेलना है और जी जान से खेलना है और उस सतह पे लेके जाना है जहाँ पे विक्ट्री स्टैंड पे हम और इसमें सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल, हम कोशिश में लगे सारे के सारे, बिल्कुल ऐसे ही। अब क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, मुनव्वर साहब आपके पास दो इनके बाद आती हूँ, बट वसीम साहब हम लोग बहुत सारे हम एक महीने से हर ट्यूजडे हॉकी पे शो करें और मैं सबसे एंड में पूछती हूँ आपको क्या हल लगता है, तो आज आपको भी हम हॉट सीट पर बैठा के पूछते हैं आपको क्या लगता है। आसिफ बाजवा को तो मैंने बोला है कि भाई जो नाराज ओलंपियंस हैं आप लोग बैठे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें, हल करें मामले और हाथ पकड़ के आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कि ये जो टेबल पे बैठ सकेंगे सब, बात हो सकेगी? देखिए हर आदमी, मैं बताऊं आपको फातिमा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मैं कि हर आदमी जो है वो सीट की जंग लड़ रहा है, वो कौमी सतह को नहीं देख रहा कि कौमी हॉकी टीम कहाँ पहुँच रही है। ठीक है ना, आपका लड़का जीतता है तो आप मैनेजमेंट जीतती है, सेक्रेटरी और सदर जीतता है, ठीक है ना, और आपको जो है मुल्क की सतह के ऊपर आपको इज्जत मिलती है। जब आप सीट की जंग लड़ेंगे कि सेक्रेटरी सीट की जंग लड़ेंगे कि भाई मुझे इस कुर्सी पे बैठना है, आप बच्चों को छोड़ देंगे तो हॉकी का ये अंजाम होता है। खुदा रहा एक सेक्रेटरी रखें आप, वो सेक्रेटरी पॉजिटिव वे में काम करें, उसको फ्री हैंड दें, उसके ऊपर निगाह भी रखें सारे हुकूमती सतह के ऊपर ताकि वो काम बेहतर कर सके, और उसकी उसको इनपुट भी चाहिए सेक्रेटरी और सदर को कि भाई आप जो है ओलंपियंस को अच्छी राय दें, ना कि आप जो है उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी करें दिगर चैनल पे जाके। आपको पॉजिटिव वे में काम करना पड़ेगा, उस पर हमारे जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा हाथ आती है, भाई बैठे हैं यहाँ पे वो हम कंट्रोवर्सी भी कर रहे हैं, हम जो है अच्छी बात भी कर रहे हैं, दोनों जगह पे रखा हुआ है, हमने बैलेंस रख के चल रहे हैं, मगर बात यह कि हम अच्छा करना है इस कौमी सतह के लिए हॉकी टीम के लिए। जब जाके हॉकी ऊपर आएगी, लीक ज़रूरी है फातिमा, लीक नहीं होगी हॉकी, देखें कब तक फंडिंग मिलती रहेगी हमें, फंडिंग भले हमें मिले वहाँ से हुकूमत सतह पर दे, जब हमारी लीग बेहतर होगी तो फंडिंग भी अपने आप आना शुरू हो जाएगी। हमें लीग करानी है, स्पॉन्सर लगेंगे पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कि आपके नेबर कंट्री इंडिया ने शुरू की है, वहाँ पे लीग फ्रेंचाइज बनी हुई है, इसी तरह से हमने यहाँ पे फ्रेंचाइज बनानी पड़ेंगी, तब जाके हमारी हॉकी टीम सतह पर उसी सतह पर। हॉकी बहुत फास्ट हो गई है, चार क्वार्टर पे हॉकी हो गई है, हर क्वार्टर दूसरे क्वार्टर से डिफरेंट है, 15-15 मिनट का क्वार्टर होता है, चार क्वार्टर जो है वो डिफरेंट है। हॉकी दुनिया से मतलब दुनिया, हमारी हॉकी जो है दुनिया के अंदर मौजूद है, इस वक्त पूरी इंटरनेशनल में मौजूद है, हम एशिया के अंदर भी जीत सकते हैं, हम जो है यूरोप में भी जीत सकते हैं, टैलेंट बहुत है, सिर्फ ये है कि हमें तरजीह की जरूरत है। हमारी हॉकी की सिर्फ बातें रह गई कि आपस में लड़ते रहते हैं वो वाली सब बातें, बट नहीं, मुझे लगता है कि अगर हॉकी लीग हो जाए फार फेच है, ये बात की देखें लड़ाई नहीं करें, लड़ाई हमारी गड़े मुर्दे निकलते हैं। पीछे मैंने अभी देखा कि एक हमारे जो है पुराने गड़े मुर्दे निकल के आ गए कि भाई हांगकांग के अंदर कैश स्मगलिंग हुई क्या नहीं हुई, हनीफ खान साहब ने थोड़ा सा शोर मचाया, इस्लाहुद्दीन साहब ने उसकी तरजीह करी ये करी, तो बात ये कि भाई हॉकी को हम सारे मिलकर ओलंपियन ठीक करेंगे, अगर पुराने घड़े मुर्दे निकालेंगे पुराना विक्ट्रियाँ तो वापस नहीं आएंगी, हमें तो आगे सतह पे अच्छा करना है, पुरानी चीज़ तो भाई वापस नहीं आएगी, जो फंडिंग भी गई भाई आगे कम से कम अच्छा तो करें आप जो करना है, आपने एक एसओपी बनाए अच्छी सी बैठ के सर जोड़ के गोल टेबल के ऊपर, फिर जाके हॉकी ठीक होगी, वरना यही चलेगा, ये जो है ना म्यूजिकल चेयर चढ़ती रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हॉकी का ये अंजाम रहेगा और हॉकी एक दिन आपकी बच्चों जो नए यंगस्टर हैं उनसे गायब हो चुकी होगी। अभी भी एक बता दूं आपको कि पुराने हॉकी आप दिखाएं कि अब हम लोग इस पे सलूशन करके गएंगे और जियो सुपर एक रोल प्ले करे आई थिंक हॉकी। मैं तो कह रहा हूं कि जियो सुपर मैं तो आपके लिए हाजिर हूं, मैं तो हर प्रोग्राम में आऊंगा और मैं ये तो कहता हूं कि मेरी जब भी खिदमत हाजिर है कौमी सतह के लिए मैं तो करने के लिए तैयार हूं, मगर खुदा रहा इसके ऊपर आप जो है कोई कंट्रोवर्सी ना करें, आप अच्छे प्लेयरों को अच्छे लोगों को आगे लाएं, मैं नहीं हूँ मेरे लाइफ बहुत बड़े बड़े अच्छे प्लेयर बैठे हैं उनको भी शामिल करें सही है। एक गोल टेबल पे तब हॉकी बेहतर होगी ठीक है। और मैम साहब अब आपका भी आई थिंक ये कि आपके बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है टुडे, आप लोगों को अब ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा नॉइज़ एंड सेइंग कि हॉक सूकर का इस वक्त ये हाल है, आई थिंक ज़्यादा शोर मचाना पड़ेगा, बट वी हैव टू कंक्लूड दिस, आपके पास अभी प्लेटफॉर्म भी है, आपको आई एम श्योर बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे, आप कैमरा आपके सामने, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं फॉर स्नूकर आप लोग कहाँ स्टैंड करें, एक थोड़ा सा पिक्चर खींच के बताएं लोगों को ताकि उनको पता चले कि स्नूकर को बहुत सख्त अटेंशन की ज़रूरत है इस वक्त। जी देखिए जैसे कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त स्नूकर इज़ नंबर वन गेम, अगर आप देखें तो पूरे पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से इस वक्त तकरीबन
नेशनल शुरू होती है हमारी, 6 से 7 हज़ार लड़का खेलता है। तो स्नूकर के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की बात नहीं, इससे पहले भी जितनी मतलब भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती रहीं, जो हम फॉरवर्ड करते रहे उसमें हमारे साथ जियो हमेशा हमारे साथ रहा और मीडिया के थ्रू और प्रेस के थ्रू हम अपने प्रोटेस्ट करते रहे। तो आज मैं सिर्फ अगेन थ्रू योर चैनल और थ्रू जियो सुपर अगेन ये रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कि आप मेरिट्स देख लें, हमारी परफॉर्मेंस देख लें, अकॉर्डिंगली जो हमारी ग्रांट्स हैं या स्पेशल ग्रांट्स हैं दैट शुड बी सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। अगर हमारी परफॉर्मेंस है तो आप हमें फंडिंग करें, नहीं है तो बेशक ना करें। सिमिलरली अगेन ये जो फंडिंग के अलावा जो इश्यूज़ हैं, मेरी अगेन जो आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है उसके हवाले से रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से भी कि प्लीज़ अलाउ आवर प्लेयर्स टू प्रैक्टिस और उसके अंदर बेशक SOPs दे दें, सोशल डिस्टेंसिंग हम रखेंगे और हमारे प्लेयर्स, वी डोंट वांट टू लूज़ आवर वर्ल्ड टाइटल। अगर आप ये हमें अलाउ करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल डिफेंड द टाइटल एंड अगेन फॉर पाकिस्तान हमारे स्नूकर प्लेयर्स टाइटल्स लेके आएंगे। ठीक है फातिमा, मुझसे ना पूछना। अच्छा ठीक है, नहीं पूछो आप क्योंकि मैं फिर कड़वी और सच्ची बात करूंगा। मसला फिर ये होता है कि नेगेटिव बात होती है, फिर बात होती है नेगेटिव, नहीं होगा इस मुझे अभी आपके सामने जो खेल मेडल ला रहा है वो भी रो रहा है, जो खेल पस्ती में जा रहा है वो भी रो रहा है। क्या हो रहा है इस मुल्क में खेलों के साथ? जो खिलाड़ी मेडल्स लेके आ रहे हैं, जो खिलाड़ी वर्ल्ड टाइटल जीत के आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं अब ये खेल से जान छुड़ाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहता हूं, इस खेल ने मुझे कुछ नहीं दिया। वो खिलाड़ी भी रो रहा है कि जो खिलाड़ी कुछ जीत के नहीं ला रहा वो कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी सर्व कर दी हॉकी के लिए लेकिन हॉकी में कुछ नहीं मिला। तो ये एक मिसाल आपके सामने मौजूद है। वसीम फिरोज भी यहाँ परेशान बैठे हुए हैं जो जिनका खेल किसी मेडल से महरूम है, कोई मेडल नहीं है उनके पास, वो भी रो रहे हैं। पाकिस्तान बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन के सदर भी यहाँ बैठे हैं जिनके पास सारे मेडल्स हैं, ये भी परेशान हैं। तो नहीं हो सकता कुछ। अच्छा आई थिंक जाने से पहले एक मैं, क्योंकि हमने लास्ट वीक बात की थी आसिफ बाजवा साहब, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग बहुत सारे प्लेयर्स की मदद करेंगे क्योंकि कोरोना की वजह से, तो वो सब कुछ चल रहा है क्योंकि मुझे उसकी कोई अपडेट नहीं नज़र आई। बिल्कुल फातिमा, वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है और बकायदा जो है उसकी लिस्ट वैसे कैसे उसकी लिस्ट बनाई है। फातिमा देखे अभी आए हुए आसिफ बाजवा को चंद दिन हुए, मैं पास में जो मैं गले मुड़ते तो नहीं खोलूंगा, जो पास में हो गया वो गया, हमें नया काम करना। देखें अभी नए काम पे आपकी इनपुट बहुत अच्छी मिली हुई है उनको, वहाँ से उनको एडवाइजर भी अच्छे मिल गए, अब साथ में काम हो रहा है पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में देखें इंसान गलती का इजाला तो करता है फातिमा, मगर प्लेयर्स को मिल रहे इमदाद को, मुझे कह रहे इमदाद तो नहीं कह रहे, हेल्प जो कर रहे थे, बिल्कुल हेल्प बिल्कुल है। अभी लिस्ट तैयार हो गई है, बिल्कुल ऐसी है लिस्ट तैयार की हुई है। देखिए माड़ी पेट्रोलियम की जो टीम है, माड़ी गैस की टीम जो है, उन्होंने आज से कल से जो है ट्रेनिंग का आगाज कर दिया SOPs के तहत। ठीक है, लेकिन हॉकी फेडरेशन अभी तक मारीपुर गैस की ये बहुत मजे की बात लगती है कि जब शो खत्म होने वाला था ना सबकी दिलचस्प बातें सब उस टाइम लेकर। सो सॉरी जेंटलमैन, हमारे पास टाइम निकाम है, मगर नेक्स्ट ट्यूसडे वसीम साहब आई थिंक आप वापस जरूर आइएगा, हम आसिफ बाजवा को भी इन्वाइट करेंगे। अगर हॉकी फेडरेशन या स्नूकर के हवाले से आपके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या बात है, आप इस शो में आना चाहते हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस, हम आपको इन्वाइट करेंगे ताकि आप यह वॉइस हर्ड हो। बट थैंक यू सो मच वसीम फिरोज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनव्वर शेख, आपका बहुत शुक्रिया। अतीक, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच, आप होते हैं हमारे इनसाइट देने के लिए। वेल दैट्स इट फॉर सुपर स्पेशल टुडे, वी विल सी यू वेरी सून। मजीद स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए देखते रहिए जियो सुपर।